जानती है बेबे, मेरे होने वाले समधी के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई है? अगर वो नाराज हो गए ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा। हर रिश्ते में तूने फायदा और नुकसान ही सोचा है। क्यों ना सोचू बेबे, भूपिंदर सिंह मान ने अपने फायदे और नुकसान में ही तो अपने आप को साबित किया। पर तू रणबीर को अपने फायदे और नुकसान की बलि क्यों चढ़ाना चाहता है? इसीलिए तो वो घर से चला गया। घर से चला नहीं गया बेबे, तूने उसको भगाया है। मैं क्यों भगाऊंगी उसे? तू ये क्यों नहीं समझता, वो अभी शादी नहीं करना चाहता। अच्छा, तो अभी रणबीर अपनी शादी का फैसला खुद करेगा। बेबे क्या धर्म और राजेंद्र ने अपनी शादी के फैसले खुद किए थे? इनकी शादी के फैसले भी मैंने किए थे। और ये जो लड़कियां सामने खड़ी हैं, क्या ये बुरी आई हैं? बेबे मैं जो भी कर रहा हूं ना सोच समझ के कर रहा हूं। धर्म जी, पापा जी, जाओ उसे ढूंढ कर रहा हूं। जी रुको। बेबे पापा जी के मामले में बोलने का हक किसी को नहीं है। पापा जी आप रणबीर वीर जी को क्यों पकड़ना चाहते हो? वो कितने अच्छे हैं, वो कुछ गलत नहीं करते हैं, और वो मेरे लिए कितनी अच्छी अच्छी डॉल भी लाते हैं ना, आप उनको क्यों पकड़ रहे हो? बुड्ढा पुत्र, तू ये बातें नहीं समझी। नहीं समझूंगी तो नहीं समझना चाहती। मैंने कह दिया ना आप उनको नहीं पकड़ोगे, बोलो ना आप नहीं पकड़ोगे, प्लीज बोलो ना आप नहीं पकड़ोगे उनको। ठीक है मेरा पुत्र, मैं तेरे रणवीर वीर जी को कुछ नहीं कहूंगा। बेटा उसे फोन लगाते रहना, जैसे मिल जाए मेरी बात करवा देना। जी